हैं SBI 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूँ क्रांति सिंह। देखिए ईवीएम को लेकर के इन दिनों चर्चा काफी तेज है और ये बात भी लगातार सामने आ रही है कि ईवीएम में कोई ना कोई गड़बड़ झाला जो है वो गुजरात चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए गुजरात का चुनाव नजदीक है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव नजदीक है और दिल्ली का चुनाव नजदीक है, लेकिन भाजपा के ऊपर अगर आरोप लगने की बात आ रही है तो देखिये हिमाचल प्रदेश से भी लगने की आरोप नहीं आ रही है, दिल्ली से भी बात निकल करके नहीं आ रही है, लेकिन गुजरात से ये बात लगातार निकल करके आ रही है कि गुजरात में भाजपा जो है वो ईवीएम को लेकर के जरूर कुछ ना कुछ छेड़खानी करेगी। क्योंकि देखिए गुजरात का चुनाव एक तरफ से भाजपा के लिए बेहद अहम है और इसी बीच में मोरबी पुल का हादसा जब से हुआ है तब से भाजपा का जो ग्राफ है वो डाउन हो चुका है और ये बात भाजपा को अच्छे से पता है कि यहाँ पर उनका जीतना अब है या नहीं है ये उनके बस की बात नहीं, लेकिन उनको ये बात पता है कि यहाँ पर जनता जो है वो पूरी तरीके से उनको नहीं नकारेगी। तो जाहिर सी बात है जो थोड़ा सा आंकड़ा में फर्क पड़ेगा उस आंकड़े के फर्क को मिटाने के लिए ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा हम नहीं, ऐसा कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों का कहना है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे विपक्षी नेता हैं या कह लें कि ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो इस वक्त भाजपा के ऊपर सवार हो रखी है और भाजपा पर एक के बाद एक जो है यहाँ पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है कि भाजपा ये भी रंगे हाथ पकड़ी जाएगी करते हुए और वो भी करते हुए पकड़ी जाएगी। देखिए इससे पहले भी हमने कई ऐसे केसेस देखे थे जहां पर जो है ईवीएम बॉक्स के साथ में बहुत बड़ी छेड़खानी होती है और उसका जो ईवीएम बॉक्स है वो कई बार तो हमने नेताओं के साथ भी पकड़ा है, कई बार हमने देखा है कि गाड़ियों का डायरेक्शन भी बदल जाता है जब वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा ही खेल एक बार फिर से होने के अंदेशा तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो देखिए ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में जनता लगातार जवाब दे रही है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो है वो भी ग्राउंड में पहुँच चुके हैं और वो लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग हम तक पहुँचाए और बताए कि आखिरकार ईवीएम को लेकर के क्या मुद्दा उठ रहा है। और देखिए जहाँ तक हमें अभी तक रिपोर्ट्स में मिला है वो यही कि वहाँ की जनता भी यही कह रही है कि देखिए हम अगर वोट नहीं भी देना चाहें तो भी वहाँ के लोग जो है वो वोट हमसे ना लेने के बजाय वो पूरा का पूरा वोटिंग मशीन ही बदल देते हैं, जिससे कि वोटिंग संख्या जो है वो उनके पाले में तो चला जाता है लेकिन हमारे पाले में कुछ नहीं रह जाता है। तो देखिए जनता का भी ये आरोप लग रहा है भाजपाइयों के ऊपर, विपक्ष का आरोप लग रहा है भाजपाइयों के ऊपर, क्या इस बार हम ये मान सकते हैं कि अगर ईवीएम में कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो जनता और विपक्ष मिलकर किसका पर्दाफाश करेगी, क्या रंगे हाथ भाजपाई पकड़े जाएंगे? कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBI 9 न्यूज़।